Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see states in React.js. जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फाइनली आज हम देखने जा रहे हैं स्टेट्स इन React.js, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टेट क्या होता है, आपने बहुत ही स्टेट बार बार सुना होगा, तो ये इसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है देख लीजिए, फिर मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टेट रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स डेटा और इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट। तो हम क्या करते हैं गाइस, रिएक्ट में कंपोनेंट बनाते हैं। रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स एंड उस कंपोनेंट्स के अंदर भी हम JSX को रिटर्न करते हैं। तो स्टेट रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स डेटा और इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे स्टेट आपका एक वेरिएबल है, ये आपका ऑब्जेक्ट जो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो अपने पास स्टोर करके रखता है। एंड वाई वी नीड स्टेट, स्टेट इज मैनेज्ड विद इन द कंपोनेंट जस्ट लाइक वेरिएबल्स डिक्लेयर इन अ फंक्शन, सिंपल राइट। However, unlike regular variable, when state changes, React re-renders the component to reflect these changes, keeping the user interface in sync with the data. ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हो कुछ नहीं होता, लाइक एक बार आपने रन किया, उसका डेटा आ गया। बट जब आप स्टेट के साथ खेलते हो इन React.js, React knows कि ये एक स्टेट है एंड जब भी स्टेट की वैल्यू होगी चेंज, इट विल re-render that particular component. एंड ये जो पार्ट है अभी इसको बस अपने दिमाग में रख लीजिए कि स्टेट की वैल्यू अगर चेंज होती है तब आपका वो जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ, बट इस टर्म को ध्यान में रखिएगा। नाउ स्टेट इज डायनेमिक एंड म्यूटेबल। ये डायनेमिक भी है म्यूटेबल भी है, मीनिंग इट कैन चेंज ओवर टाइम, यूजुअली इन रेस्पॉन्स टू द यूजर एक्शंस, सर्वर रेस्पॉन्सेस और अदर इवेंट्स। ऑलराइट, ये जो है अब मैं आपको एकदम ऑसम एनिमेशन के साथ बताता हूँ, लेकिन उस एनिमेशन को बताने से पहले हमें चलना होगा हमारे कोड एडिटर VS कोड एडिटर पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, इस जगह पे देख लीजिए एक सिंपल सा मुझे एक इंक्रीमेंट बटन बनाना है, जहाँ पे जब भी मैं इसको क्लिक करूँ इसकी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। लेट्स इमेजिन हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। चलो इसको हम सबसे पहले करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट की मदद से हम कैसे करते हैं एंड वो वैल्यू अपडेट होने के पीछे का रीजन क्या है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखिएगा एंड तक, ठीक है। सो कंपोनेंट्स में मैं चल रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है अब हुक्स करके। ओ माय गॉड, नाउ वी आर इनटू हुक्स। उसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा स्टेट करके, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ स्टेट कर रहा हूँ, बाद में मैं चेंज कर दूंगा, कोई बात नहीं। ध्यान से देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझ गए। कंपोनेंट्स के अंदर हुक्स, उसके अंदर वी हैव दिस स्टेट एंड आप देख लीजिए बहुत अच्छे से यहाँ पे कुछ इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है एंड वी हैव वन CSS फाइल eb.css जो चला आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट परफेक्ट, इसको अब मैं साइड में कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो वी हैव अ स्टेट राइट, सो कॉन्स्ट सबसे पहले, चलो एक्सपोर्ट लिख दो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड देन वी हैव अ स्टेट। हालांकि मुझे कुछ और भी लिखना चाहिए था बट ठीक है। एंड यहाँ पे चल के कुछ इस तरीके से वी हैव टू रिटर्न आवर डेटा, ठीक है, जिसमें let's say we have an h1 and then we have one button and button को increment लिख देता हूँ मैं, increment, ठीक है। अब मुझे बताओ हम इसको क्या करते हैं, हम क्या कर सकते थे, let value equal to 0 है ना। एंड जब भी कोई इस बटन पे करेगा ऑन क्लिक, हमने आपको बताया था कैसे हम ये इवेंट्स के साथ खेल सकते हो राइट। सो ऑन क्लिक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से। लेट्स कॉल वन वैल्यू, आई मीन एक फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं एंड कन्वेंशन आपको हैंडल लिखना है, हैंडल बटन क्लिक। इसको मैंने कॉपी की, यहाँ पे मैं चलता हूँ। सो इट्स अ कॉन्स्ट हैंडल बटन क्लिक, ठीक है। एंड या इस तरीके से मैं गया, परफेक्ट। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, वैल्यू प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वैल्यू मैं पास कर दे रहा हूँ। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पे यू नो यूजिंग अ कर्ली ब्रेसेस मैं डायनेमिक वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, वैल्यू परफेक्ट। तो मैं ये करता हूँ क्योंकि बराबर है, अगर इसको मैं जावास्क्रिप्ट की दुनिया में देखूँ तो ये काम करना चाहिए। मैं अब इसको चलता हूँ, यहाँ पे सीडी कुछ है या रिएक्ट थापा के अंदर मैं गया, ls करके देखता हूँ, या चलो यही मेरा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बर्न एंड देन डेव, ठीक है। तो अब मेरा ये 714 पे रन कर, आई मीन 174 पे रन कर रहा है, आपका 5173 पे कर रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी 5173 पे रन कर रहा है मेरा। सो लोकल होस्ट इस तरीके से, ठीक है। अभी ये एक सेकेंड, ऑलराइट मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है वहां पे, उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो मेरा स्टेट है सो गाइस अब मैं यहाँ पे फाइनली काम करने जा रहा हूँ, डेट इज इन सबको मैं हटा रहा हूँ एंड मैंने ऑलरेडी सोर्स कोड प्रोवाइड किया पूरा कंप्लीट, गिटहब का लिंक मैंने शेयर की हुई है, आप प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा ठीक है। अब ये सबको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, परफेक्ट। अब देखो आहा कितना अच्छा लग रहा है ये ठीक है। सेक्शन कंटेनर, इसके अंदर हम चलते हैं एंड लेट्स से वी हैव वन दैट इज स्टेट। चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम हो गया ये। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ठीक है। इसको इवेंट प्रोपागेशन, हैंडलिंग, सेटिंग्स, प्रॉप्स, सोर्स, ऐप, चलो सब मैंने हटा दी। स्टेट के अंदर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं जल्दी से एक सेक्शन बना लेता हूँ विल बी इक्वल टू एंड आई थिंक इट्स अ मेन आईफन। ओ माई गॉड सॉरी, वो क्यों नहीं आ रहा था क्योंकि ऊपर सजेशन ही नहीं है, तो मैंने बस एक क्लास नेम दिए ताकि वो थोड़ा सा आपको सेंटर पे एंड अच्छे से मैं दिखा सकूँ। एंड जल्दी से एक बार मुझे ईवी में जाना है एंड यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पोर्शन पे फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ ठीक है। रैन दो मैंने ऑलरेडी शेयर किया, आपको कोई इतना सोचना नहीं, एक के नीचे एक चाहिए था मुझे। ऑसम परफेक्ट चलो ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ एक तरफ तो ये क्लिक हो रहा है ठीक है, बट हमने जो कोड लिखा उस पर क्लिक नहीं हो रहा है। बट अगर आप कंसोल पे चलते हो आप हैरान हो जाओगे ये देख के, ओ माई गॉड यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मेरे ब्राउजर पे वो वैल्यू अपडेट हो गई है बट इन माई यूजर इंटरफेस जो मुझे दिखना चाहिए जहां पे वहां पे वो अपडेट नहीं हो रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर रिएक्ट एंड यहीं पर ही आपको अपना दिमाग का यूज करना है कि एक तरफ तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू मेरा अपडेट भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है, मेरी वैल्यू अपडेट हो रही है ना, देखो ना वैल्यू प्लस प्लस वैल्यू अपडेट हो रही, तभी तो 8 9 10 तक आ गया एंड वही वैल्यू को मैंने यहाँ पे पास कर दी। तो ऐसा क्या हो गया कि H1 में यहाँ पे वो वैल्यू तो अपडेट नहीं हो रहा है लेकिन ये जो वैल्यू है डोम में अपडेट हो रही है। डू यू नो द रीजन गाइस? रीजन ये है कि रिएक्ट जेएस को नहीं समझता ऐसे नॉर्मल वैल्यूज, ऐसे नॉर्मल वेरिएबल्स रिएक्ट जेएस को नहीं समझता। रिएक्ट जेएस को ये देख रहा है कि चलो ठीक है वैल्यू तो अपडेट हो गया बट अब मैं इसके साथ क्या करूं, समझ लो लाइक रिएक्ट बना ही नहीं है नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए। तो जब भी आपको लगे कि मेरा डेटा चेंज होने वाला है या मुझे कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो फ्यूचर में जाके चेंज हो सकती है, वहां पे आपको यूज करना रहता है स्टेट। सो गाइस आप देख सकते हो कि आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी रख दिया क्योंकि आप में से बहुतों को पॉज करके पढ़ने में मजा आता है राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए क्यों ऐसा हुआ। सबसे पहले तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल्स है एंड रिएक्ट जेएस को ये नहीं मालूम कि आगे जाके उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है एंड अगर रिएक्ट को वो मालूम ही नहीं है कि उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है तो वो डोम को अपडेट करो कैसे बोलेगा। एंड हमारे केस में तो वो ऑलरेडी डोम में अपडेट हो चुका है तो अब कोई दूसरी तरीके है ही नहीं जिससे वो हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करे। री रेंडर क्या होता है आपको पता चल जाएगा कल के वीडियो में, बट इतना आपको पता चल गया एक नॉर्मल वेरिएबल रिएक्ट में काम नहीं करता, एकदम सिंपल सी वन लाइन आंसर यही है। बट अब जब नॉर्मल वेरिएबल काम नहीं करता तो मैं कैसे वैल्यू को इंक्रीमेंट करूं। सो गाइस उसी के लिए ही फॉर दैट रीजन रिएक्ट जस्ट प्रोवाइड्स अ फंक्शन कॉल्ड यूज स्टेट। ओ माई गॉड फाइनली वी हैव अ यूज स्टेट। एंड एक चीज याद रखना, ये एक फंक्शन था जो रिएक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस व्हिच स्टार्ट्स विथ यूज एज अ प्रीफिक्स इज कॉल्ड हुक। अब आपको पता चला रिएक्ट जेएस में हुक्स क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट हुक्स या बिकॉज विदाउट स्टेट आप कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इंटरएक्टिविटी खत्म है पूरा, समझ रहे हो। एंड पता चल गया यूज स्टेट की हमें क्यों नीड है। एंड कहीं पे भी अगर आपको यूज पहले दिखता है कोई भी फंक्शन में देन दैट्स बिकम योर हुक्स। दिस इज ए स्पेशल फंक्शन व्हिच हैज सम फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द react.js। वी विल लर्न अबाउट अदर हुक्स इन फ्यूचर, हम बाद में देखेंगे बट आज मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये जो यूज स्टेट है उसको मैं अब आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे बताता हूँ, आपको आइडिया आ गया ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं अब आपको यहाँ पे क्या उसका सिंटेक्स दिखा देता हूँ। यूज स्टेट हुक्स का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, जहां पे वी हैव वन नॉर्मल कॉन्स्टेंट वेरिएबल, देन ये जो आपको एक एरे के अंदर दो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें से जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये आपका करंट स्टेट कहलाता है ठीक है, जो कि आपका एक स्टेट वेरिएबल है। पता चला ना, ये है अब आपका स्टेट वेरिएबल जो आपको यू नो अपडेट करना होगा। देन ये जो सेकेंड आपको दिखाई दे रहा है ये है गाइस आपका फंक्शन दैट अपडेट्स द स्टेट वेरिएबल। इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए वी हैव दिस फंक्शन एंड फाइनली वी हैव आवर यूज स्टेट हुक। एंड उसके अंदर ये जो ओ नहीं है इट्स योर जीरो एंड ये है आपकी इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टेट। ये जो इनिशियल वैल्यू है वो किसकी है, हमारे इस काउंट स्टेट वेरिएबल की है। एंड फ्यूचर में इसकी वैल्यू मुझे अपडेट करनी होगी तो मुझे सेट काउंट के साथ खेलना होगा, इस फंक्शन को मुझे अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ओ माय गॉड ये तो बहुत सिंपल है, एंड किसी किसी को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये सिंटेक्स आया कहाँ से एंड ये अजीब सा सिंटेक्स क्यों है। ऑलराइट गाइस, तो इसको भी आप टैकल करते हैं। ठीक है, इसको भी अब हम टैकल करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये तो पता चला कि ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए आप इस तरीके से हटा दो। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता चला है एंड दैट इज कि रिएक्ट हमें एक स्पेशल फंक्शन देता है जिसका नाम है यूज स्टेट। क्यों ना लेट्स कंसोल डॉट लॉग दैट यूज स्टेट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हमें मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं अगर इसको एज इट इज रखता हूँ एंड फिलहाल के लिए इसको भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। JSX एट्रीब्यूट मस्ट ओनली बी असाइंड। ओके, फिलहाल के लिए इसको 0 में कर रहा हूँ एंड ये ऑन क्लिक फिलहाल के लिए मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, एंड ये जो यूज स्टेट है अभी भी ये काम करेगा। ऑलराइट, ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। इतना याद रखना, जब भी कोई आप ऐसे स्पेशल हुक यूज करते हो इन React.js आपको इसको इम्पोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये हमें रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते। सो वी नीड टू राइट, एक सेकेंड, इस तरीके से आपको इसको इंपोर्ट करना होगा यूज स्टेट फ्रॉम आवर रिएक्ट लाइब्रेरी। रिएक्ट ये हमें प्रोवाइड कर रहा है तो मैंने उसको इंपोर्ट की एंड मैंने यहाँ पे यूज किया। नाउ लेट्स सी हमें क्या मिलता है यूज स्टेट पे। ठीक है, एंड अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे देखो ये दो बार मुझे मिल रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ रीरेंडर, बट आपको कल के वीडियो में पता चलेगा। बट फिलहाल मैं जूम करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड इसको मैं साइड कर। ओ माय गॉड, सी क्लियर देख सकते हो आप, यहाँ पे एकदम क्लियरली देख सकते हो। दैट इज इतने को आपको देखना है, जिसमें से यूज स्टेट हुक को जब मैंने किया कंसोल तो मुझे ये एक एरे मिल रहा है जिसमें मुझे पता चला एक पहली एलिमेंट उस एरे के अंदर आपका अनडिफाइंड है और दूसरा जो है उसके अंदर वो एक फंक्शन है। सो ये तो क्लियर हो गया कि यूज स्टेट हुक को अगर हम कंसोल करते हैं तो वो एक एरे है विथ 2 एलिमेंट्स, जिसमें से पहला एलिमेंट फिलहाल अभी अनडिफाइंड है एंड दूसरा एक हमारा फंक्शन है। राइट, देखो वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिंटेक्स दिखाया था वो मैंने खुद से नहीं लिखा था, रिएक्ट के टीम ने ही यूज स्टेट हुक को अगर हम कंसोल करते हैं तो वो हमें खुद ये दे रहा है एन एरे विथ 2 एलिमेंट्स, जिसमें से ये जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी वो होता है आपका स्टेट वेरिएबल एंड देन जो सेकेंड होता है एलिमेंट वो है आपका अपडेटेड फंक्शन। सिंपल। ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको अब हम फर्दर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। लेट एरे विल बी इक्वल टू यूज स्टेट, क्योंकि ये एक एरे था। राइट, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ एंड वापस मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एरे को कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, चलो अब दिस टाइम में अब उसको मैंने एक एरे वाली वेरिएबल में असाइन कर दी। मुझे देखना है क्या होता है, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओ माय गॉड, स्टिल आई एम गेटिंग द सेम। ठीक है, क्यों ना अब मैं इसको डिस्ट्रक्चर ही कर दूँ, क्योंकि अब देखो ना ये जो मेरा एरे है इट इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर लाइन। राइट, मेरा एरे इसके बराबर है, तो क्यों ना एरे के बदले कमेंट करता हूँ लेट। मैंने देख लिया कि लेट एरे मेरा क्या है, वो एक अनडिफाइंड वाली वैल्यू है, तो मैं फिलहाल के लिए काम करता हूँ यहाँ पे काउंट लिख देता हूँ उसकी वैल्यू। एंड कन्वेंशन ये कि जब भी अपडेटेड फंक्शन आप लिखते हो यू नीड टू राइट फर्स्ट सेट एंड देन आपको कैमल केस में वही सेम चीज लिख देना है जो आपका स्टेट वेरिएबल था। तो ये आपका हो गया स्टेट वेरिएबल एंड दिस इज योर अपडेटेड फंक्शन टू अपडेट दिस स्टेट वेरिएबल विल बी इक्वल टू ये जो आपका यूज स्टेट। अब आपको पता चला हमने ये कहाँ से मिला, हमें यूज स्टेट पहले कंसोल करके देखिए, हमें एक एरे मिल रहा था विथ 2 एलिमेंट्स, उसको मैंने एरे पे असाइन कर दी। असाइन करने के बाद जब मैंने एरे को कंसोल किया तो यही जो डेटा है मुझे वो मिल रहा था यहाँ टॉप पे, तो मैंने उसी को ही है ना कॉपी करके एरे के बदले वो मैंने लिख दी है ना। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब हटाने से मेरा मतलब था ऊपर कर देता हूँ, बस खत्म गाइस, बन गया मेरा ये स्टेट। देखो ना हमारा ये लेट के बदले मोस्टली हम कॉन्स्ट यूज करते हैं है ना, तो मेरा ये हुक बन के रेडी है। अब ये जो मेरे काउंट की वैल्यू है अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ काउंट लिखता हूँ एंड यहाँ पे देखो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बट लेट्स से मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ कंट्रोल एस से एंड बूम गाइस सी, पता चला वहाँ का इनिशियल वैल्यू। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो इनिशियल वैल्यू है वो किसकी है, इस पर्टिकुलर काउंट के लिए। तो ये इनिशियल वैल्यू आपके इस पर्टिकुलर काउंट के लिए है एंड console.log। अब मैं यहाँ पे अगर ये जो काउंट है उसको मैं प्रिंट करूँ तब आप देखना क्या हो रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमें हमारे कंसोल पे 5 दिखाई दे रहा है। तो इसका क्लियर मतलब है कि हमारा ये जो काउंट है उसमें कौन सी वैल्यू सबसे पहले आपको मिलती है, जो ये इनिशियल वैल्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पे जाती है। सिंपल राइट। ऑलराइट, इसको मैं हटा रहा हूँ। इसकी वैल्यू इनिशियल तो ऑब्वियसली मुझे 0 चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ मुझे 0 आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट, मुझे यहाँ पे 0 मिल गया। ऑसम। अब मुझे इसको करना है अपडेट। तो अपडेट करने के लिए ऑब्वियसली जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक, ये तो मेक श्योर है आपको, राइट। एंड यहाँ पे लेट्स गो विथ हैंडल क्लिक, हैंडल बटन क्लिक पे हम चलते हैं इस जगह पे। सो कॉन्स्ट हैंडल बटन क्लिक एंड देन अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड दैट इज कि ये है हमारा अपडेटेड फंक्शन। इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस आपको ये फंक्शन है अपडेटेड फंक्शन, राइट। तो सिंपल हमने कॉलबैक फंक्शन या फैट एरो फंक्शन आप कह लीजिए, फिलहाल यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन में मेरा ये जो काउंट होगा विल बी इक्वल टू 1, काउंट प्लस 1। जब भी कोई इस बटन को क्लिक करेगा वो सेट काउंट को कॉल करेगा, उसके अंदर ये कॉलबैक फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसमें काउंट की जो भी वैल्यू होगी उसमें मैं +1 कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लिक करता हूँ एंड दिस इज इट। ये है आपका रिएक्ट, यह है आपका स्टेट्स इन React.js, जहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कभी भी एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आगे जाके चेंज होने वाली है इन फ्यूचर, उस समय आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। नो मैटर व्हाट, आपको रिएक्ट हुक्स में जितने भी स्टेट मिलते हैं उन्हीं में से किसी एक का आपको यूज करना पड़ेगा एंड जस्ट इस तरीके से आपको कोड लिखना पड़ेगा। ये देखा जाए तो बहुत ही ईजी है। ये क्यों हमें ये हमने सिंटेक्स लिखा वो तो आपको पता चल ही गया। उसके बाद हमें नाम से पता चल रहा है ये है आपका अपडेटर फंक्शन जिसका काम है टू अपडेट द वैल्यू ऑफ स्टेट वेरिएबल। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर सेट काउंट की मदद से ही इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, एल्स आप किसी और की मदद से नहीं कर सकते। सो या दिस इज इट। इतना ही था आज इस वीडियो में एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था एंड आपको जस्ट मेक श्योर करना कि कभी भी आप काउंट की वैल्यू को डायरेक्टली अपडेट मत करना, काउंट प्लस प्लस या इस तरीके से कभी भी हमें यह नहीं करना, क्योंकि ये स्टेट वैल्यू जो है ना, स्टेट वेरिएबल, इसकी वैल्यू कभी भी हम खुद से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो लाइक अगेंस्ट है, रूल के अगेंस्ट है इन React.js। तो ऑलवेज मेक श्योर टू यूज सेट काउंट या जो भी आपका अपडेटेड फंक्शन होगा उसकी मदद से आपको इसकी वैल्यू को अपडेट करनी है। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन आई थिंक यहाँ पे हमारे पास कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको लास्ट में दिखाना चाहता था। तो गाइस ये लास्ट का स्लाइड है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूँ। डायनेमिक यूआई अपडेट्स के लिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फॉर्म होती है, फॉर्म में जब भी कोई आप इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू लिखते हो, राइट, तो ऑन द स्पॉट वो चेंज हो रहा है ना। तो वो जब चेंज हो रहा है तो कहाँ जाके आप उसको स्टोर करोगे, कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो वहां पे अगेन आपका स्टेट लगने वाली है। इंटरएक्टिविटी, जैसे अभी मैंने बटन पे क्लिक की, बटन के क्लिक करने पे एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे अपडेट करनी थी बाय 1। तो अगेन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, चेंज हो रही है, फिर से मुझे स्टेट की नीड लग गई। Then data management. State helps manage data within a component. For instance, you can fetch data from an API and store it in a state. फिर से API से जो भी डेटा हमें मिला, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया का मैच चल रहा है, राइट। तो जब भी कोई एक बॉल फेंकेगा तो फट से अगर किसी ने रन ले लिया तो भी वैल्यू मुझे अपडेट करने की एक रन ऐड हो गया। या किसी ने बॉल फेंका तो बॉल का भी तो मुझे चाहिए ना कि ये 16वें ओवर का दूसरी बॉल डाली गई, समझ रहे। तो हर जगह स्टेट चेंज हो रही, तो वहां पे आपका ये काम आता है। कंपोनेंट कम्युनिकेशन, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट कैन बी लिफ्टेड अप टू द पेरेंट कंपोनेंट्स। ये हमारा कल के वीडियो के बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें ये आने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिफ्ट द स्टेट अप। ये इसका क्या फंडा है वो मैं आपको तब बताता हूँ, बट आई होप आपको पता चल गया कि व्हेन यू नीड टू यूज स्टेट इन React.js। जब भी आपकी कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर फ्यूचर में चेंज होने वाली हो देन यू नीड स्टेट, एंड जिसमें सबसे पहला था आपका यूज स्टेट, राइट। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा एंड गाइस आपको वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।